नमस्कार नागपुर, मेरा नाम है श्रेयस और आप देख रहे हैं वीकेपी न्यूज़। कल ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में इस बार कौन बाजी मार पाएगा? महायुति एक बार फिर से अपना गठबंधन बना पाएगी या महाविकास आघाड़ी एक बार फिर से बाजी मार पाएगी? तो हम यही देखने के लिए आए हैं मध्य नागपुर में। तो चलिए जानते हैं जनता की राय क्या है। सर, आपने इलेक्शन वोट किया कल? हाँ। किसको वोट किया आपने? मैं दिया ना अपना। मेरा क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन आएगा, महाविकास आघाड़ी या महायुति? अभी तो कुछ नहीं बता सकते। अभी जो माहौल चल रहा है फिलहाल मध्य नागपुर में, तो उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? अभी तो ऐसा है, ये यहाँ पे जो है ये जो गढ़ है थोड़ा सा संवेदनशील वाला गढ़ है ये, तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते इसको। तो आपको ओवरऑल क्या लगता है कि महाराष्ट्र में किसकी सत्ता बैठेगी, महाविकास आघाड़ी या महायुति? चलो मध्य नागपुर का छोड़ दीजिए, भागा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चल रहा है इस बार आज कल को लेकर के, बट आपको क्या लगता है कि इस बार महाराष्ट्र में किसकी सत्ता आएगी? कुछ सोचो, कुछ हो रहा है अभी। तो ये जो लाड़की बहन योजना थी वो एक को मेन फैक्टर बन पाएगी, आपको क्या लग रहा है इस बार? वो तो बनेगी, चला देरी चला हो तो आप रुपये रोज देरी चला पर डे। आप पर्सनली क्या चाहते हो कि किसकी सत्ता है, मतलब जिसका लक होगा वो बनेगा? आपने वोट किया? हाँ जी, मैं ग्रामीण का हूँ। ग्रामीण कौन से गांव? अच्छा, वहाँ अपना ये है बावन कोड़े सर है। बावन कोड़े सुरेश भर, मैं बावन कोड़े आ जाएगा। बावन कोड़े आ जाएंगे। उन्हें विकास क्या है वहाँ पर? विकास परफेक्ट है, पर्सनल विकास भी बहुत है लोगों का, पर्सनल रिलेशन भी अच्छे हैं उनके सबके साथ, पूरे कॉन्टीजेंसी में सभी अच्छा रिजल्ट है। और अपोजिट जो कैंडिडेट है उसका जनसंपर्क उतना नहीं था, सिर्फ वो थोड़ा सा पर्सनल इस पर ये है। तो आपको क्या लगता है महाविकास आघाड़ी या महायुति? महायुति आ जाएंगी। हाँ, आ जाएंगी। कितने सीटों से आएगी? डिफरेंस 15-20 करेंगे दोनों में। हाँ, इनको हमारे पास जानते हैं और लोग हैं। सर, आपको क्या लगता है? वो तो कल का जो इलेक्शन हुआ है उसके हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए, लेकिन अब ये आने वाली जो 23 तारीख है वो आने वाली 23 तारीख ही बताएगी कि कौन आता है। वैसे चुनाव जो हुआ है बहुत शांतिपूर्ण हुआ है, अच्छे से हुआ है और सबने समर्थन किया है इसका। अच्छा, बट कल जो मध्य नागपुर में हुआ उसको लेकर के अब क्या लगता है कि यहाँ पे किसकी सत्ता आएगी? क्योंकि जब चुनाव चल रहा था उसी भीतर बंटी शेड़की जी उनका कुछ विवाद हुआ, बीच में आया, तो उसके बाद क्या लगता है उनके वोटों पे इम्पैक्ट पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा? यहाँ जो चुनाव हुआ है उस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है, जो बंटी शेड़के और जो जो डटके जी के आपस में जो हुआ है, तो ये होना नहीं चाहिए था, इसके वजह से थोड़ा असर पड़ सकता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कैसा असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपको क्या लगता है किसकी सत्ता आएगी महाराष्ट्र में इस बार? वैसे तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता आएंगी और आना चाहिए, मगर माहौल को देखकर कुछ ऐसे हालात बदल जाते हैं, अपनों के भी ख्यालात बदल जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम और लोगों से जानना चाहेंगे इस बारे में। सर, आपने वोटिंग करी है? हाँ बोस। किस तो आपको क्या लगता है कौन आएगा इस बार? कोई भी आए, नुकसान तो अपना ही है। आप कहाँ से हो? मैं नरखेड़। नरखेड़, काटोल नरखेड़। तो वहाँ से क्या लगता है आपको, अमोल देशमुख, अपना सलील देशमुख आएंगे वहाँ से? हाँ बिल्कुल, काटोल विधानसभा उन्हीं का। क्यों आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि चरण सिंह ठाकुर नहीं आएंगे वहाँ से? उनका भी विकास बहुत है ऐसा लोग कह रहे हैं वहाँ के। विकास है लेकिन वहाँ पे ऐसा समझो कि काटोल विधानसभा में कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही? हाँ, तो कांग्रेस वहाँ पे आ ही सकती है। अच्छा, एक ही बार आई था बीजेपी लेकिन काम कुछ नहीं हुए। और ये कैसा घर के आदमी सलील देशमुख। तो आपको क्या लगता है ओवरऑल किसकी सत्ता आएगी, मतलब महाराष्ट्र में किसकी सत्ता बैठेगी? मेरे हिसाब से कांग्रेस ही बैठेगी। कांग्रेस? हाँ। आप जानते हैं लोगों से। सर, आपने वोट किया? जी। आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा? इस बार वही बीजेपी गवर्नमेंट, शिंदे सरकार। शिंदे सरकार एक बार फिर से? बिल्कुल। क्यों लगता है आपको, मतलब उनका डेवलपमेंट विकास है उनका? बिल्कुल है, जो आज 10 साल से आप नागपुर का चेहरा मोरा बदलते देख रहे हैं उसका पूरा श्रेय मैं महायुति को ही दूंगा। आज 10 साल पहले जो आदमी नागपुर में आया होगा और आज अगर आता है
तो उसको ये साफ परिवर्तन आपको दिखाई देगा। आप कौन से एरिया से रहते हो, मतलब कौन से? हम ये मध्य नागपुर से हैं। तो कल की जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद आपको क्या लगता है, ये मध्य नागपुर में से कौन आएगा इस बार? कंट्रोवर्सी तो वोटिंग के बाद में हुई है। नहीं, बट वो जब वोटिंग चल रही थी उसके ड्यूरेशन में हुई, मतलब जो आधे लोग वोट दे चुके थे और जो लोग वोट देने जाने वाले थे शाम के टाइम पे, इवनिंग के बाद, तो उनको तो उनका कुछ मतभेद हुआ होगा कि इतना बड़ा कंट्रोवर्सी के बाद शायद हम उन्हें वोट ना करें बंटी शेट्टी जी को, तो आपका उस पर क्या मत प्रतिशोध है? तो हम तो शुरू से बोल रहे हैं ना कि महायुति में यानी प्रवीण दटके चुन के आने की पूरी पूरी हमें उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है जो महायुति ने जो लाया था लाड़की बहन योजना, वो एक इस बार मेन फैक्टर बन पाएगी? वो तो एक दूसरा फैक्टर है, मेन तो इनका विकास जो दिख रहा है, आप महल में ही देखिए, पुलिया से लेके सब तरफ में जो सीमेंट रास्ते हो गए, फुटाला तालाब हो गया, उसके बाद में फ्लाई ओवर ब्रिज हो गए, तो ये लोगों को नज़र आ रहा है। इतने सालों से बाकी लोगों की जो सरकार थी क्या काम किया था उस समय में, और आज की तारीख में देखिए आप। तो आपको लगता है इस बार महायुति अपना गठबंधन मना पाएगी? जी जी। तो आपको क्या लगता है, मतलब अजीत पवार एक बार फिर से गठबंधन तोड़ देंगे, या क्योंकि ऐसे एग्जिट पोल्स के बाद भी मतलब ऐसे बहुत सारे प्रतिशत आ रहे हैं कि उसके बारे में अभी से कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं लगता। अभी अजीत पवार, शिंदे साहब और फडणवीस जी मिल के तय करेंगे और इन्हीं की सरकार बनेगी। क्या लगे आपने वोट किया? हाँ। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? मैं पूर्व नागपुर से हूँ और पूर्व नागपुर से कृष्णा खोपड़े जी। हाँ, कृष्णा खोपड़े। कृष्णा खोपड़े पक्का? पक्का। आपको? वहीं से। कृष्णा खोपड़े सर, आपने फोटो खींचा था। मध्य नागपुर से प्रवीण दटके जीतने वाले हैं। हाँ, जो कल की जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई मध्य नागपुर में प्रवीण दटके जी और बंटी शेट्टी जी के बाद, तो क्या लगता है, क्योंकि उस मतलब जो हुआ कंट्रोवर्सी इलेक्शन के बीच में हुआ, मतलब जब इलेक्शन चल रहा था तो 3-4 बजे उनका जो कुछ हुआ कंट्रोवर्सी, तो उसके बाद जो बचे हुए लोग थे वोटिंग करने के, तो उनको भी क्या ऐसा लगा होगा कि बंटी शेट्टी के सही में ऐसा करा होगा, तो उनके बाद उनका वोट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपको क्या लग रहा है? एक्चुअली आपको जो लग रहा है 3-4 बजे जो हुआ, वो 3-4 बजे नहीं हुआ है, वो शाम को 6:30 के बाद हुआ है। नहीं, मतलब जो एक्चुअल में हुआ था वो जो रूमर्स फैले थे और जो वीडियो वगैरह सब प्राप्त हुए थे वो 3-4 बजे के आसपास मिले थे, तो ऐसा बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। हाँ, उसका इम्पैक्ट हो सकता है। इम्पैक्ट हो सकता है। आपको क्या लगता है कौन आएगा? हाँ, दोनों में से आएंगे, प्रवीण दटके ने तो मंटी लड़के, दोनों में थे एक तो प्रवीण दटके लगता है, प्रवीण दटके। महाराष्ट्र में कौन आएगा, महायुति या महाविकास आघाड़ी? महायुति। क्यों लगता है, क्या एक रीज़न है आपका ऐसा? अच्छा, तो लाड़की बहन योजना जो थी वो क्या लगता है आपको एक मेन चीज़ बन पाएगी इस बार इलेक्शन में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाड़की बहन का बहुत इफेक्ट होने वाला है, बहुत सी बहना में वही लाड़की बहन के योजना के तहत ही वोटिंग करा होगा, ऐसी गारंटी लग रही है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल वही होने वाला इफेक्ट, लेडीज का, लेडीज के वोट कभी बढ़ते नहीं है, जो दिए उनको भी भविष्य के हिसाब से चलना चाहिए योजना, वो हिसाब से उन्होंने वो जो वोटिंग है सेम परसेंट किए। अभी बीजेपी ने नया मैनिफेस्टो लाया था, उसमें उन्होंने कहा कि 1500 से 2100 कर देंगे, तो वो भी एक मेन फैक्टर हो सकता है बीजेपी का। अभी वो कुछ ना कुछ, अभी कांग्रेस ने 3000 बोले तो इनको भी कुछ ना कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा, 1500 से 2100। अब तो बीजेपी का जुमला रहता है कि हर पार्टी का कुछ ना कुछ आने का है तो सत्ता में। एग्जिट पोल हिसाब से क्या लग रहा है, जैसे इस बार लोकसभा में एग्जिट पोल एकदम से मतलब उलटफेर हो गया, जो 350-450 सीट बता रहे थे उसका मतलब एकदम से कम हो गया था? बता नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा जगहों पर कांटे की टक्कर जो बोलते हैं वो है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और मेन जो बड़े बड़े नाम वाले हैं वो हारने के चांस ज़्यादा है। तो लोगों का कहना है कि महायुति फिर से एक बार आने की संभावना है। काकू, आपने वोट किया तो क्या लगता है आपको कौन आएगा? आप कहाँ से हो, यहाँ से हो कि कहाँ? यहीं से। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कौन आएगा? मोदी सरकार। लड़की बहन का योजना इन्होंने बराबर से उपयोग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? लड़की बहन योजना में सभी को इतना प्रॉफिट मिला जी जी कि आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया। मेरे ख्याल से तो मोदी सरकार ही आना चाहिए। महायुति मतलब शिंदे सरकार, देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट में है, तो उनकी सरकार आएगी, मतलब हाँ मोदी एक प्रकार से हो गया। और जो अभी 1500 रुपये है, इन्होंने अभी नया मैनिफेस्टो लाया था 2 दिन पहले ही,
कि 1500 से अभी 2100 करने वाले हैं, तो आप उसको देख करके आपने वोट किया या आप चाहते थे कि बीच भी डबल से आए, मतलब क्या देख के आपने वोट किया? नहीं नहीं वोट किया वो तो बात ठीक है, और 1500 रुपये आए वो भी अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं को जो आज तक जो सम्मान मिला है वो मोदी सरकार की वजह से ही मिला है, ऐसा है। क्या लगता है आपको कौन आएगा मध्य नागपुर से? मध्य नागपुर से तो देखो तीनों की फाइट तो टफ थी, बीजेपी कांग्रेस और एक फूलेकर करके, देखते हैं अभी किसका रिजल्ट सही आता है। तो आपको क्या लगता है कि, चलो मध्य नागपुर छोड़ दीजिए, ओवरऑल आपको महाराष्ट्र में किसकी सत्ता दिखते हुए नजर आ रही है? महाराष्ट्र में तो युति की सरकार बनी, महायुति, महायुति की सरकार बनी। तो आपको क्या लगता है आपकी माताओं ने आपकी बहनों ने लाड़की बन गई योजना का प्रॉफिट देख करके उनको वोट किया है? आपने भी किया होगा श्योर। हाँ हाँ वो तो है बोलना, महायुति के सरकार के तो टॉपिक सही है, उनकी जो रूल्स है यानी जो योजनाएं बनाए वो तो एकदम सही है, बट वो तो आएगी। डेवलपमेंट है महाराष्ट्र में, महायुति में तो अलॉटमेंट है, महायुति की सरकार ही बैठेगी। ये आपने वोट किया? हाँ। तो क्या लगता है आपको इस बार कौन आएगा? बता नहीं। आप मध्य नागपुर से हो ना? नहीं, पूर्व नागपुर। पूर्व नागपुर, तो वहाँ पर कृष्णा खोपड़े जी और दुनेश्वर पेटे। और दुनेश्वर पेटे, तो क्या लगता है आपको ऐसे कौन आएगा? कृष्णा खोपड़े का थोड़ा एडवांटेज। तो ओवरऑल महाराष्ट्र में किसकी सत्ता आप देखना चाहते हो एज अ यूथ? बता नहीं सकते। बीजेपी या कांग्रेस, आपको आपको कौन सी चाहिए? 50% लगता है जो पहले की थी, जो अभी थी करंटली महायुति बीजेपी, जो लगता है आपको वो चाहिए? उनका डेवलपमेंट है या नहीं, आपको क्या लगता है? डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है। तो आपको उनकी सत्ता चाहिए? बता नहीं सकते अभी। आपने वोट किया? हाँ सर किया सर। कहाँ से हो आप? यहाँ से हो कि कहाँ? मध्य नागपुर। तो क्या लगता है कौन आएगा मध्य नागपुर? ऐसा तो बोल नहीं सकते, या थोड़ा समाज का फैक्टर चला है। हाँ हाँ, तो जी का बहुत समाज सेवा चली है यहाँ पे, मतलब ओवरऑल नागपुर में वैसे बोल लो तो क्या लगता है? हलवा समाज का भी था थोड़ा कैंडिडेट। अच्छा, तो भी थोड़ा फैक्टर रहता है। हाँ हाँ, तो आपको क्या लगता है कौन आएगा इस बार? टिकड़ी है, बता नहीं सकते, लास्ट टाइम में जो निकाल लेगा तब समझ में आएगा कौन आएगा। हाँ, वैसे परसों रिजल्ट है, बट जो एग्जिट पोल कह रहा है वो कुछ और ही कह रहा है, मतलब महायुति को 160 सीटें दे रहे हैं और महाविकास आघाड़ी को 110-120 पे ला रहे हैं। तो क्या आपको लगता है इस बार किसकी सत्ता आएगी, महायुति डबल से आएगी या महाविकास आघाड़ी? महायुति आएंगे, डबल से आएंगे, वो आएगी। वो सत्ता में बैठेगी, सत्ता में बैठेगी, सत्ता में बैठेगी। काकू आपने वोट किया कल? आपने वोट किया? हाँ, ओके। तो क्या लगता है मध्य नागपुर में कौन आएगा? अभी हमारे हिसाब से बोलो तो पंजाई आने वाला है। क्यों? आपको लाड़की बहना हो ना, आपको पैसे मिले है? हाँ, लाड़की बहना तो मिले ही है, लेकिन वो भी कांग्रेस वाले ही बोल रहे हैं कि हम भी 3000 देंगे, इसके वजह से हम पहले से हम पंजाई को देने वाले थे तो पंजाई को दिए। अच्छा 3000 लालच में गए आप? 3000 है ना लालच में का, वो भी अभी वो तो महायुति भी आपको 2100 करने वाली थी वैसे बोलना, बट 2100 और 3000 बहुत डिफरेंस पड़ता है। तो क्या है, पहले लाड़की बहन आई थी क्या इसके पहले? नहीं आई थी, जैसे अभी मतदान आया है तो वैसे उन लोगों ने स्कीम खोल के अभी सबका मतलब प्रभावित किया है, इसके वजह से वो वैसे बोल रहे हैं कि अभी हम इतना देंगे उतना ही देंगे। अभी दोनों भी चालू है, भी अभी मालूम तो नहीं अभी कौन आएगा कौन नहीं, हम तो हमारा तरफ। आपको क्या लगता है कौन आएगा इस बार मध्य नागपुर में? टक्कर तो दोनों की अच्छी है वैसे अगर देखा जाए तो, बट मध्य नागपुर ये बीजेपी का गढ़ होने की वजह से और जो यहाँ पे बीजेपी का पहले काम हुआ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता अच्छे हैं प्रवीण दटकी जी, उनके ऊपर लोगों का विश्वास भी है और भरोसा भी है, तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारा भी विश्वास उनके ऊपर है तो वही आए। कल की जो कंट्रोवर्सी हुई मध्य नागपुर में उससे आपको क्या लगता है कि इसके वजह से क्या होता है कि जो देखो कैसे वो बोलते ना चाय से ज़्यादा केटली गर्म, तो इन लोगों को करना कुछ नहीं होता, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, अब कार्यकर्ता ने किया या किसी अननोन पर्सन ने किया अब ये नहीं बता सकते ना, उनके माथे में लिखा नहीं रहता कि ये किसके कार्यकर्ता है, परंतु जो भी हुआ कल के इसमें वो गलत हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कल के जो हिंसा ही बोल सकते हैं थोड़ी सी उनको, वो नहीं होना चाहिए थी, जबकि वो गलत है। आपको क्या लगता है कौन आएगा मध्य नागपुर में? प्रवीण भैया। प्रवीण भैया, और महाराष्ट्र में आप किसकी सत्ता देखना चाहते हो, जो अभी महायुति थी डबल से उनको देखना चाहते हो महाविकास आघाड़ी? हम बीजेपी। बीजेपी हमको देखना है बीजेपी, क्योंकि हमारे पहले से संबंध हमसे सबसे अच्छे हैं और बीजेपी से चाहते हैं, नो डाउट बंटेश्वर के व्यक्ति भी अच्छे, परंतु हमको विश्वास कि बीजेपी पे है तो बीजेपी ही आएगी। तो आपको क्या लगता है लाड़की बहना एक मेन फैक्टर बन गई इस बार
अगर जीत के आई तो पॉलिटिकल स्टंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज अ पॉलिटिकल स्टंट बिकॉज ऑफ रीजन क्या होता है, अगर आप पैसा दे भी रहे हो तो वो भी हमसे वसूल करना है, राइट? एंड डजंट मैटर अगर ये 3000 रुपए भी देने वाले हैं कांग्रेस तो कहाँ से देंगे, आम लोगों से वो पैसा जाने वाला है, तो ये टोटली पॉलिटिकल स्टंट है, इस पर कोई दो राय नहीं है, ये आएगा तो ये देगा, वो आएगा वो बनता है, मैं दूंगा, इसमें जनता का क्या फायदा है, नथिंग। पर एज पर प्रोग्रेस अगर देखा जाए तो हम चाहेंगे कि बीजेपी है, डेवलपमेंट है महाराष्ट्र में बीजेपी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अगर 10 साल पहले का नागपुर और आज का नागपुर अगर आप देखते हो तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है, आपके हर चीज़ का सोल्यूशन प्रॉपरली मिल जाता है, और जो आंखों से दिख रहा है अगर आप उसको वोट नहीं दोगे तो आप किसे वोट दोगे? 7 साल तक तो कांग्रेस ने राज किया ही है, नो डाउट, पर ये 10 साल के अंदर जो नागपुर का डेवलपमेंट देखने को मिला है, एज पर गडकरी जी बोलिए, एज पर बाकी लोगों की वजह से बोलिए, उनके हार्डवर्क से ही हुआ है, इसीलिए तो नागपुर आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है। मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी को अपोज भी नहीं करता, बट एज अ जेन्युइन थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही जज करूँगा कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो आदमी यही चाहता है कि पैसा जाए तो जाए, पर डेवलपमेंट तो हो, वो आंखों से दिख रहा है। 60 साल से कांग्रेस कर रही थी तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, गड्ढों से और भैंसों से भरा हुआ रास्ता दिखता था, कंपैरेटिवली आज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट है। बट नागपुर के लोग, मतलब कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि लाइक गडकरी ने सिर्फ रोड बनाया, मतलब सिर्फ सीमेंट के रोड बनाए, डामरीकरण नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो उसके ऊपर सर वो इतने बड़े लेवल के व्यक्ति है, उनको ये थोड़ी थोड़ी बातों पर ध्यान नहीं दे सकते हो, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। अगर आप बोलोगे तो अर्बन एरियाज को जोड़ने वाली सबसे बड़ी लाइफ लाइन क्या होती है? रोड। रोड अगर आपका रोड डेवलप होगा तभी तो आप कहीं पहुंच पाओगे। अगर अर्बन एरियाज तक अगर आपकी पहुंच इजी हो रही है, जो आपके फ्लाइट के टिकट्स और एज पर कंपैरेटिवली 15 घंटे 18 घंटे का रास्ता आप 8 घंटे में कवर अप कर रहे हो, समृद्धि महावे महावे एग्जैक्टली, मैं किसी और अभी 12 घंटे का रास्ता 13 घंटे का रास्ता आप 6-7 आवर में कंप्लीट कर रहे हो, दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर ट्रैवल। कंपैरेटिवली अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो सिर्फ इंडियन रोड्स के बाद यूएस के रोड ही इतने प्रॉपर है जो इस तरीके से डेवलप हुए, हम लोगों को जाने के बाद कीमत समझ में आती है। और इंडिया इज हैज बिकम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री फॉर मेकिंग द रोड आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। लोगों को ये चीज़ नहीं पता ना, आज लोगों का तरीका ये हो गया, दो वक्त का खाओ दो वक्त का सो, इनको अच्छे पॉलिटिशियन की ना कदर है ना कीमत है। देखा आप लोगों ने कि मध्य नागपुर की जनता सिर्फ चाहती है कि महायुति ही आए, और यहाँ से प्रवीण दटके जी हैं जिनकी सीधी टक्कर बंटी शेड़के से है, तो कल के जो कॉन्ट्रोवर्सी के बाद यहाँ के लोगों का मानना है, और वैसे भी लोग यहाँ के बीजेपी जो है अपना मध्य नागपुर जो है अक्सर बीजेपी का गढ़ माना गया है, तो यहाँ के लोगों का संबोधन सीधा सीधा प्रतिसाद सीधा सीधा बीजेपी के साथ ही है, तो देखते हैं 23 तारीख को वैसे रिजल्ट आने ही वाला है, पता चल जाएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा तब। नमस्कार नागपुर, तो सियासी गलियारे से हम अभी सीधे उछलकर आ चुके हैं पूर्व नागपुर, जहाँ पर सीधी टक्कर हमें देखने मिल रही है दुनेश्वर पेटे और कृष्णा खोपड़े के बीच, तो चलिए जानते हैं आके लोगों से कि उनका क्या राय है, कौन इस बार जीत के आने वाला है, चलिए जानते हैं। काका आपने वोट किया, क्या लगता है पूर्व नागपुर में कौन आएगा इस बार? खोपड़े जाएंगा, कौन आएगा? कृष्णा खोपड़े। क्या चेंजेस किए इस बार, मतलब क्या आपको आप क्या देख रहे हो, विकास देख रहे हो कि क्या देख रहे हो इस बार? विकास का मुद्दा लेकर के आए इस बार उतरे हैं वो चुनावी इसमें, तो क्या लग रहा है आपको इस बार विकास के बारे में? विकास तो लाड़की बहन योजना एक मेन फैक्टर बन गई इस बार, वो तो कंपलसरी है। मैंने भी कमल को वोट दिया है और चाहता हूँ कि कमल का ही सरकार बने। डेवलपमेंट है यहाँ पे पूर्व नागपुर में, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है जो मोदी सरकार कर रही है, उसके अलावा कोई सरकार उससे अच्छा ज़्यादा नहीं कर सकती। आपको क्या? बस बीजेपी, महायुति। महायुति ओवरऑल की सिर्फ महायुति? इधर नहीं, महायुति है, महायुति आएगी। कौन सा एजेंडा लेकर के आपने वोट किया इस बार? विकास के कार्य अच्छे हुए हैं अभी 10 साल के अंदर में। 10 साल में अभी नागपुर सिटी बोले तो बहुत
हाई कंडीशन के लेवल में हो गई है इसलिए। और फिर दूसरी पॉइंट ये है कि माँ ये लाडली बहना वाला भी जो गरीब महिलाएं हैं उन लोगों को बहुत अच्छी लाभ मिल रहा है। अच्छा, तो इस बार मतलब जो हुआ था कि उन्होंने अभी दो दिन पहले मैनिफेस्टो लाया बीजेपी ने कि जो 1500 रुपये थे वो अभी 2100 करने वाले थे। तो क्या आपने उसको भी देख करके एक फैक्टर लेकर के आपने वोट किया, मतलब आपके घर की लेडीज लोग ने, या क्या आपको लगता है कि नहीं? महायुति की जो सरकार बनती है जो बोलती है वो करती है। पहले दे रही थी 1500 रुपये, अभी 2100 किया है। और महाआघाड़ी सरकार का क्या है कि खाली बोल बच्चन। उन्होंने भी अभी मैनिफेस्टो लाया दो दिन पहले, वो 3000 लेने वाले थे डायरेक्टली। उन्होंने अभी 3000 रुपये बोला है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि महाआघाड़ी सरकार खाली बोल भाषण करती है, बाकी कुछ नहीं करती है। इसके पहले भी और झारखंड में चुनाव हुए थे, वहाँ पे भी बोली थी 8500 रुपये खटाखट, अपना अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन्होंने बोला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और महायुति की सरकार ऐसी है जो बोलती है वो करती है। लगता है महायुति आएगी? महायुति 100% आएगी। कितने वोट, कितने सीटें लेगी इस बार? कम से कम 150-145 सीटें से आएगी वो। उतना प्रेडिक्शन बता रहा है? 160 बता रहा है, 145 बता रहा है, अभी का रुझान तो बता रहा है 40-45 बता रहा है, 140-45, लेकिन और बढ़ेगी सीट। तो लोगों का मानना यही है, सरकार किसी की भी आए, और खास करके लेबर लोग का जो मानना है सिर्फ हमें महंगाई कम कीजिए और हमारी आमदनी बढ़ाइए, कैसे भी करिए आप हमारी आमदनी बढ़ाइए। और लोगों का मानना ये भी है पूरनपुर के कि कृष्णा खोपड़े जी यहाँ पे आ सकते हैं और आने के चांसेस बहुत हैं। तो वही है, अभी दो दिन, परसों इलेक्शन के रिजल्ट्स है, सब पता चल ही जाएगा किस कौन विजय होगा और कौन पराजय होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, वीके न्यूज़ के साथ, मैं श्रेयस भुसारी और हम कैमरा पर्सन विकास के साथ। धन्यवाद।